आपकी लाइफ प्रोसेस में कोई ब्लेसिंग ऐसी होती है, परमेश्वर काम कर रहा है, आप प्रोसेस में, ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में हो नहीं रहा, पर परमेश्वर ने आपको एक प्रोसेस में रखा है। जिस तरह अब्राहम का बुढ़ापे तक एक प्रोसेस चला, जिस तरह मूसा का उस 40 साल की तैयारी में एक प्रोसेस चला, जिस तरह यीशु मसीह का 30 साल एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ जीना और फिर 3.5 साल बाद में सेवा करना, वो एक प्रोसेस था। जिस तरह यूसुफ की लाइफ में उस खड्डे में से जाना, उस जेल में जाना, फिर जेल में आगे भेज दिया जाना, फिर आगे भेज दिया जाना, वो एक प्रोसेस था। जिस तरह दाऊद का, बाकी भाई युद्ध में लड़ रहे हैं और दाऊद जा रहा है भेड़ बकरियां चारना, वो एक प्रोसेस में थे। इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर उनकी लाइफ में काम नहीं कर रहा है, कर रहा है। वही जो शेर बालू आपको मिल रहा है, जो वो गोफन चलाना आपको सिखा रहा है, अपना आराधक बना रहा है, इसी आराधना करने के द्वारा जो विश्वास प्रभु के ऊपर बढ़ गया था दाऊद का, उसी विश्वास ने कहा, जिस परमेश्वर ने शेर और बालू को मेरे हाथ में कर दिया, आज गोलियत तू क्या चीज है, क्योंकि वर्शिप के द्वारा तैयारी करा रहा था। और बिना एक, जो एक आराधक नहीं है उसके अंदर कभी हयाप नहीं होगा। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, टेस्ट देने जा रहे हो, पुलपर पर जा रहे हो, क्रूसर में जा रहे हो, तो आप एक आराधना करने वाले व्यक्ति होने चाहिए, क्योंकि जो आराधना करता है उसके अंदर हयाब होता है।